हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। हाय एवरीवन, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको फिगर दे रखा है, एक नेटवर्क दे रखा है लैडर प्रॉब्लम का, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है, फिगर दिख रहा होगा आपको, कि डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क शोन इन द फिगर। इच रेजिस्टेंस हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले भी देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस नेटवर्क का। उसके बाद हम ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो कितना करंट ड्रॉ कर रही है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊँ इस टाइप से कि ये हमारा इस टाइप का कुछ नेटवर्क है, आई थिंक ऊपर भी रेजिस्टेंस है और नीचे भी रेजिस्टेंस है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इधर भी रेजिस्टेंस है, इसमें, इस वाले में भी रेजिस्टेंस है, इस वाले में भी रेजिस्टेंस है। और यहाँ हमारा बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, अभी बैटरी लगा देंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सबकी वैल्यू वन एक एक ओम दे रखी है, आई थिंक सारे की वैल्यू एक एक ओम दे रखी है आपको, एक ओम, एक ओम, एक ओम, एक ओम, एक ओम, एक ओम, इस तरीके से। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालें तो मान लेते हैं सब लेट कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आर है, स्मॉल आर। अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है तो ध्यान से अगर आप देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा का जैसा सर्किट ए पॉइंट और बी पॉइंट के राइट साइड में है, क्या वैसा का वैसा सर्किट पी और क्यू के बाद में है? तो आंसर है यस, एकदम वैसा का वैसा हूबहु सर्किट जैसा ए बी के बाद में सर्किट है इनफाइनाइट टाइम्स, उसी तरीके से अगर मैं एज्यूम करूँ पी और क्यू पॉइंट को, पी और क्यू पॉइंट को अगर मैं देखूं तो पी और क्यू पॉइंट के राइट साइड भी वैसा का वैसा ही सर्किट है। अगर मैं कहता हूं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस ए बी इज स्मॉल एक्स, चलो मान लेते हैं एक्स है, देन हम ये बोल सकते हैं देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू इज एक्स ऑल्सो, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, एक्स होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो सर्किट कुछ इस टाइप से बनाया जा सकता है कि ये आपका कुछ रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में भी वही रेजिस्टेंस है। तो हमने क्या मान लिया, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, एक्स, और ये जो पी और क्यू ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था वो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या मैंने माना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया है ए और बी के बीच में। ये हमारा पी क्यू था पॉइंट, ये एक एक ओम है, वन ओम, वन ओम, वन ओम। ध्यान से अगर आप देखें तो इस नेटवर्क को सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट हमारा एक्स ही आना चाहिए, क्योंकि पी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है, तो पी और क्यू के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है। तो अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो जो एक्स आएगा वो कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, कहने का मतलब। तो बहुत अच्छे से देखें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पैरेलल में हो गया,
ठीक है, ये आपका क्या है, पैरेलल में है। तो बहुत अच्छे से देखें ध्यान से, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाऊँ इसका तो कितना आ जाएगा आपका, 1 ओम, ये आपका बन गया और ये आपका बन गया, ये कितना हो जाएगा 1 × x / 1 + x, मतलब x / x + 1, ये 1 ओम और ये आपका 1 ओम, ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। ध्यान से अगर आप देखें तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, तीनों अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तीनों अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आंसर आ जाएगा इसका x / x + 1 + 1 + 1, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, और ए और बी के बीच में मैंने क्या माना है, x माना है, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये आपका 2 हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट 2 ही लिख देता हूँ, ये आपका 2 हो जाएगा, ये डायरेक्ट मैंने 2 ही लिख दिया, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x मल्टीप्लाई कर दिया 2x + 2 एंड दिस इज इक्वल टू x। बहुत अच्छे से देखें तो x + 1 का इधर में तो मल्टीप्लाई होगा, x + 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो x + 1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उधर भी हो गया एलसीएम लेने पर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ गया आपके पास 3x, ये +2 एंड दिस इज इक्वल टू x² + x, इधर जाके x घट जाएगा या इसको पूरा पूरा उधर कर देते हैं पूरे चीज को, तो 0 = क्या मिलेगा, x² माइनस में 2x - 2। कहने का मतलब ये आपके पास क्या आंसर आ गया, x² - 2x - 2 = 0। एंड वी वांट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, वी वांट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x क्योंकि x इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा x का क्वाड्रेटिक बन रहा है, और x का अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो यहां से हम सिद्धाराचार्य फॉर्मूला को यूज करते हुए x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिद्धाराचार्य फॉर्मूला क्या है, -b + √b² - 4ac/2a लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे जब इसकी वैल्यू लगाएंगे x = -b + 2 हो जाएगा, रूट में b² 4 ac + 4ac 4 × 2, ए की वैल्यू 1 हो जाएगा और सी की वैल्यू -2, इसलिए प्लस हो गया वो, अपॉन में 2 है मतलब 2 हो गया, 4 × 2 = 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 2√3, है ना, कितना आ जाएगा 2√3। तो x बराबर कितना आ गया 2 ± 2√3 अपॉन में कितना आ गया 2, 2 कॉमन कर लीजिए तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 ± √3, देख रहे आपको। तो जब 2 कॉमन करके इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 कॉमन करके जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जानी है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x बराबर आपके पास आ गया x = 1 ± √3। तो इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक है 1 + √3 ओम और एक है आपके पास 1 - √3 ओम, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो एक ही होगी ना, दो तो नहीं हो सकती, एक ही सर्किट का दो रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता। ध्यान से देखिए, एक इसमें कैंसल करेंगे, इसको निगलेक्ट मारेंगे, है ना, क्यों निगलेक्ट मारेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये निगेटिव आ रही है और ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगी। कैसे, √3 की वैल्यू 1.732 आता है, तो 1 में से 1.732 घटाएंगे तो माइनस में 0.732 आएगा, तो माइनस अब 0.732 आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को हम छोड़ देंगे और इस वाले को हम पकड़ लेंगे, यही हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का, मतलब 2.732 इज द आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो। लेकिन सवाल में हमसे करंट पूछा है, सवाल में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है करंट बताओ कि बैटरी कितना करंट बहाएगा इस सर्किट के अंदर। तो बहुत अच्छे से देखें, तो मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं और देख लेता हूं बैटरी कितना दिया हुआ, आई थिंक 12 वोल्ट का बैटरी दे रखा है आपको, 12 वोल्ट की शायद बैटरी दे रखा है, मैं देख लेता हूं एक बार, 12 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी है जिसका EMF आपको दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है
और ये 12 वोल्ट की बैटरी, EMF E बराबर 12 वोल्ट। बहुत अच्छे से देखें तो पूरा का पूरा सर्किट मैं दोबारा बना देता हूं। ये X है आपका, ये इंटरनल से स्मॉल R है, ये बैटरी का EMF है आपका 12 वोल्ट। तो बताओ करंट कितना फ्लो कराएगा, बहुत आसान है ना, अब तो निकालना बहुत आसान है। करंट निकाल देंगे, करंट I बराबर कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस X प्लस स्मॉल R। वोल्टेज कितना है देखो ना, 12 अपॉन में X की वैल्यू कहाँ गया, यहाँ पर 1+√3, 1+√3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 2.732 प्लस में क्या लिख सकते हैं स्मॉल R, पॉइंट में 5, पॉइंट में कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आपके पास आएगा वो आंसर आ जाएगा। अगर इसे आप राउंड ऑफ करके लगभग लगभग नियर अबाउट अगर वैल्यू लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आई थिंक मेरे हिसाब से 12 अपॉन में 2.7 और 0.5 तो कितना हो जाएगा 3.2 है ना। उसके बाद इसको आप क्या कर दे, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो एम्पियर में आपके पास करंट आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, आंसर आपका यही होगा। ठीक है।